ठीक है, हम लोग पीछे क्या पढ़े थे मैथ्स में बताओ, रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक पॉइंट अलजेब्रा के, बेसिक आता है, बढ़िया समझना मैथ्स में, इसका मतलब होता है अलजेब्रा मतलब बीजगणित, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है देखेंगे, पहला क्वेश्चन, यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान होता है। तो बनाने का दो तरीका है, एक तो सॉल्व करोगे और एक ट्रिक है। सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से चलेगा, और ट्रिक सीधे क्या है कि जो पांच लिखा है और स्क्वायर में पूछा है सेम साइन है, तो पांच के स्क्वायर और माइनस दो कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, पच्चीस में से दो गया कितना हुआ, तेईस आंसर। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू सिक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान बताओ, तो बताओ क्या करेंगे, छह के स्क्वायर माइनस दो, छत्तीस में से दो का कितना हुआ, क्लियर समझ में आ गया। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर सेवन और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान बताओ, बोलो सेवन के स्क्वायर अब माइनस दो, उनचास माइनस दो बताओ कितना होगा, समझ आया कि नहीं आया, नोट करो। हो गया क्लियर, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन दूसरे टाइप का। देखो भाई इसको रफ कर दूं, क्वेश्चन है देखो भाई, x प्लस वन बाई एक्स बराबर फोर और आपसे वैल्यू पूछा जाएगा पावर फोर में, इसका मान कैसे निकालें,
जैसे होगा x प्लस वन बाई एक्स का मान 5 और पावर 4 में, जैसे होगा x प्लस वन बाई एक्स का मान 6 और पावर 4 में। x प्लस वन बाई एक्स का मान 3 हो गया और पावर 4 में मान बताना, ऐसे आपको मान निकालना, ठीक है, क्लियर? समझाऊं? समझाओ ना। देखिए क्या करना है कि स्क्वायर के लिए हम लोग एक बार आगे बढ़ते हैं, ऐसे अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 4 के स्क्वायर में जो बोलो तो 16 में से 2 गया कितना हुआ 14, अब फिर पावर 4 है तो फिर एक बार इसको आगे बढ़ जाएंगे, मतलब अगर पावर 4 है तो 14 के स्क्वायर में जो तो 14 के स्क्वायर कितना हो गया 196 माइनस जो 194 आंसर, 196 माइनस जो कितना 194 आंसर। अब देखिए समझिएगा, यहां पर 5 के स्क्वायर माइनस जो 23, तो ये स्क्वायर वाला का मान हो गया, अरे बोलो अब फिर पावर 4 पूछेगा तो क्या करेंगे आप बताइए, 23 के स्क्वायर और माइनस जो, तो 23 के स्क्वायर कितना होता है, पेपर में भी हमें ले चलोगे, 529 माइनस जो 527, क्लियर हुआ कि नहीं समझ में? yes, चलिए अच्छी बात, ठीक है ना। आइए आज आप लोगों के कोई फ्रेंड नहीं है, इसको कैसे करेंगे आप बताओ, 6 के स्क्वायर में जो तो 36 में से दोगे 34, एक बार और आगे बढ़ना, 34 के स्क्वायर माइनस जो आएगा x की पावर 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 1156 माइनस जो 1154, यही तो होगा, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ इधर, 3 के स्क्वायर माइनस जो 9 में से दो गया 7, एक हो गया भाई, फिर पावर 4 है, 7 के स्क्वायर में जो 49 में से दो गया कितना हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? yes, पूरा क्लियर? yes, चलिए नोट करिए, ये होते पढ़ने वाले बच्चे, बोलो गौरव पूछो पूछो, कोई दिक्कत है तो, दोस्त तुम्हारा कहाँ रह गया, आया था आज दीपक, हो गया
क्लियर, मिटा देना। yes, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप में, लिखेंगे क्वेश्चन। बोलो। एक्स यदि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू, इसी तरीके से वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, वैल्यू निकालना है एक्स के पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स के पावर थ्री। दूसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर, तो वैल्यू निकालना है एक्स के पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स के पावर फाइव, तो ये निकालना। नंबर फोर, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू सेवन, बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को। ट्रिक बताऊंगी सल्व। बोलो। दोनों अगर इसे सल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर थ्री है, टेकिंग क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर एक्स प्लस वन बाई एक्स के पावर थ्री बराबर तीन के पावर थ्री, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर सत्ताईस। इससे ये कट गया, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू, इसका मान कितना दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब सत्ताईस माइनस नौ अट्ठारह, सत्ताईस माइनस नौ कितना हो गया अट्ठारह, ये हो गया इसका सल्व। ठीक है ना, सल्व मैंने इसे बता दिया, लेकिन सल्व की जरूरत नहीं होती ना, पेपर में कोई इसे करता है। ठीक है ना, मिटा दूं ना, कोई फायदा नहीं है। अब देखो सल्व कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन है आपके सामने कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर सिक्स, और इसका मान बताओ, सीधे क्या करना है उसका क्यूब करना है, और माइनस थ्री और इनटू ये वाली संख्या आंसर कहीं भी, यानी अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर a है तो a की पावर तीन माइनस थ्री इंटू a, तो ये हो जाएगा 216 और माइनस अट्ठारह एक सौ अंठानवे इसके आंसर। जैसे इस क्वेश्चन का सल्व कैसे होगा, सात के पावर तीन माइनस थ्री इंटू सात, बताया ना, सात के पावर तीन और माइनस थ्री तो रहेगा इंटू ये वाला सात, तो ये हो जाएगा तीन सौ तैंतालीस माइनस इक्कीस बराबर तीन सौ बाईस। क्या चीज, 322। उसी तरीके से यहां पर देखिए, पांच के पावर बताओ, अब माइनस, समझ आ रहा है, 125 माइनस 15 110 हो गया, बोलिए। और ये देखो, चार के पावर तीन माइनस थ्री इंटू चार, सही लिख रहा हूं, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12, 12 कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार इसको हेल्प कर दो, आ गया कि नहीं आ गया? एक टाइप के पांच पीस बता रहा हूं, एक पीस में हो जाता है, नोट कर दो, ये है फायदा ऐसे पढ़ने। समझ में आ रहा होगा मानवी, बताओ। चलो ये होता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हो गया, कितना क्वेश्चन करा दिया? 13 हो गया। चलो 20 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना, काफी हो जाए। सब ट्रिक से, जितना क्वेश्चन करना है ट्रिक से ध्यान है, कोई भी ऐसी ट्रिक के लिए तो कोचिंग करते हैं। सॉल्व करना होता है किताब के पीछे नहीं दिया कि कोचिंग कोई करेगा। अब मिटा दीजिए क्या? ठीक है जी, अब आता है डायरेक्ट सेंस लगाने वाला क्वेश्चन। आपको अगर सेंस लगाने वाला क्वेश्चन कैसे आता है देखना। ये तो क्या, चलो स्क्वायर क्यूब पावर फोर। अब देखो क्वेश्चन रहेगा, यदि एक्स प्लस 9 बाई एक्स इक्वल टू 6 और मान पूछ देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर का मान बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर का मान बताओ कैसे निकालें। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 तथा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 75 आ जाओ हो कॉमा तो एक्स प्लस वाई बटे जेड का मान बता। ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई ठीक है ना इक्वल टू दे देगा 4, फिर पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताए, ठीक है ना। इसको अभी आगे पढ़ाऊंगा, पहले इस टाइप का क्वेश्चन करा लिया जाए, फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को,
करने का तरीका देखो क्या होगा। इसमें अपने दिमाग से लगाना है कि x का मान क्या रखोगे कि 9 को काट देगा, तो या तो 3 रखोगे या 9 रखोगे। अरे 3 से 9 कट जाता है कि नहीं कट जाता है, और 9 से भी 9 कट जाता है, लेकिन प्रूव्ड इसको करना है, ध्यान रखेंगे। तो x का मान पहले 3 रख के देखते हैं, तो जब x का मान 3 रखोगे तो 3 से 9 तीन बार में कट जाएगा, और 3 यहां भी तो रहेगा 3, तो 3 और 3 6 प्रूव्ड हो गया। अगर आप 9 रखते हैं तो 9 से 9 कट गया एक बचा, और यहां पर 9, तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। तो x का मान यहां कितना रखना है आप 3, जब 3 रखे तो प्रूव्ड हो रहा है ना, 3 3 9 और 3 3 6, तो इसको सॉल्व करना है। तो 3 के स्क्वायर के x की जगह 3 आप प्लस 9 अपन 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 9 बटा 9, 9 इसका मान होगा और 3 का 9 होगा, तो ये कट जाएगा, कितना होगा 9 और 1 10, समझ में आ गया। इस तरीका से, क्योंकि जब यहां पर एक पॉइंट दे रखा इक्वेशन, तो यहां पर इसकी वैल्यू को डायरेक्ट सॉल्व करना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन देगा। तो जैसे यहां पर कंडीशन देगा तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पहला देकर दूसरा दिया है, अब ये बन जाएगा आराम से इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन एक दे तो उसमें आपको आइडिया नहीं लगेगा। अब यहां पर क्या करें, एक तो सॉल्व हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत लंबा जाएगा। सबसे अच्छा जुगाड़ है इसकी कि 15 को तोड़ना है 3 भागों में, तो 5 5 5, एक तो ये कंडीशन हो जाएगा। यहां भी प्रूव्ड करना है तो कैसे करोगे, 5 × 5, और यहां भी 5 × 5, और यहां भी 5 × 5, 25 50 75 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर देखो x की जगह 5 + 5/5 ही तो होगा, अरे जब ये कंडीशन प्रूव गए तो ये हो जाएगा कितना आपका 10/5। इसके आंसर क्या होगा नोट कर, ये सब वैल्यू अपने से पुट करने वाला क्वेश्चन है, अपने से आइडिया लगाओगे आप। हो गया, रफ कर दूं? अब आइए, इसी तरीके से आइडिया लगाने वाला क्वेश्चन है, सब अपने से आइडिया लगाना होता है। क्वेश्चन जो कह रहा है वो है, यदि x प्लस 1/x + 1 = 1, लिखो क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x + 1 = 1, तो जो वैल्यू पूछ रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/5 + 1/x + 1 = 5 का मान बताए। x + 1/5 + 1/x + 1 = 5, ठीक है ना, इसका मान आपको बताना, कैसे निकाले।
अब इस सब क्वेश्चन में मैंने बताया एक इक्वेशन है, यहाँ पर दिमाग लगाने। अब दिमाग देखो कैसे लगाते हैं, दिमाग लगाना सिखाता हूँ। जैसे आपके सामने इसको अभी रोक देते, क्वेश्चन दे दे x प्लस वन बाई एक्स बराबर दो और वैल्यू पूछ दे x के ऊपर कुछ भी मान लो 50, x के ऊपर 50 और इसकी वैल्यू पूछ दे। तो सबसे पहले हम लोग को एक ऐसी संख्या है जिसको अपोजिट करने पर भी तो एक होता है, तो यहां पर क्या रखेंगे, x का मान क्या रख लेंगे, एक रख लेंगे, वन रख लेंगे। जब यहां पर वन रखेंगे तो वन प्लस वन बाई वन यानी वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब वैल्यू पूछा ये x की पावर 50 यानी वन के पावर 50 प्लस वन अपॉन वन के पावर 50, यही तो होगा। तो ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि वन के पर कितना भी वन होगा, यहां वन के पर कितना भी वन होगा, वन वन क्या हो गया, टू। ये कंडीशन बता रहा हूं, ये सिंपल चीज कैसे होता। जैसे आपको मैं कह दूं ऐसे ही कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड कुछ भी, और वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, ऐसे मैंने भूल दिया, ठीक है। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो कुछ भी कह देगा जो इसको मर्जी करे, कह देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बता, कुछ भी कह दे। तो एक के लिए तो बताया कि अपोजिट होने पर भी एक रहता है, और इसके लिए रूल है कि दो एक ऐसी संख्या है कि स्क्वायर हो चाहे उसको जोड़ना हो, बात हमेशा सेम होता है। मतलब यहां पर एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर क्या रख सकते हो, दो रख सकते हो। यह क्या लिखा हूं, दो, क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है जिसके स्क्वायर भी दो के पावर कितना, दो, चार होता है, और दो प्लस दो भी क्या होता है, चार होता है। ये बात समझ आएगी नहीं है, जैसे पांच के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 25 होगा, अब पांच प्लस पांच 10 होगा, तो स्क्वायर और प्लस तो इक्वल नहीं होता है, लेकिन दो का स्क्वायर और प्लस दोनों इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दो एक ऐसी संख्या जहां स्क्वायर कवर करता है और एक क्या होता है, अपोजिट क्लियर करता है। हाँ जी, तो यहाँ पर बता रहा था कि एक्स वाई जेड तीनों के मान क्या लेंगे, हम लोग दो लेंगे। अब इसकी वैल्यू पूछा है तो क्या होगा, दो के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर हो सकता है, तो चार प्लस चार कितना हो गया, समझ आया कि नहीं है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको सिखाता हूँ, ये सिखा ली, ये सिखा ली, ये भी। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन दे दे यदि एक्स वाई बराबर वन ऐसे दे दे और वैल्यू पूछे वन बटा वन प्लस एक्स प्लस वन बटा वन प्लस वाई, या पूछ दे वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर वन बटा वन प्लस वाई स्क्वायर, या पूछ दे वन बटा वन प्लस एक्स क्यूब प्लस वन बटा वन प्लस वाई क्यूब, या ऐसे पूछ दे आगे तक वन प्लस एक्स के पावर एन वन प्लस वाई के पावर एन, ये बात ध्यान रखें, हमेशा इसके आंसर क्या होता है, वन। हमेशा इसके आंसर क्या होगा, क्योंकि एक्स वाई क्या है, वन है, चाहे तुम सल्व करो चाहे जैसे भी करो। अगर आप सल्व करते हो तो एक्स बराबर वन बट्टा वाई हो जाएगा,
यहाँ पर गुणा में तो भाग हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दोगे। दूसरा, आप एक्स वाई को वन वन मान लोगे तो वन ही होगा, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले आप किसी भी स्थिति में एक्स वाई और यहाँ पर दोनों रखोगे तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, यहाँ पर आंसर वन ही होगा। सॉल्व करके दिखाऊं, सॉल्व करके दिखाऊं, बताओ, एक दिखा दिया जाए, है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई एलसीएम होगा, बताओ आराम से होगा कि नहीं होगा। बस आपको याद रखना, इस स्थिति में आंसर हमेशा वन होता है, ये कंडीशन। लेकिन सॉल्व करके थोड़ा दिखा देते। अब 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बचेगा। फिर यहां पर 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा। अब देखो 1 1 क्या हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, और ये एक्स वाई होगा। अरे कर लेना आराम से। अब एक्स वाई का मान हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमेशा दिया रहेगा। अगर वो नहीं भी दिया गया, कुछ और क्वेश्चन आएगा तब भी ऐसी स्थिति में होने वाला, वो फिक्स रहता है। तो ये एक्स वाई का मान 2 नहीं देगा ना, कुछ भी कैसे दे देगा। मैंने कहा कि वो पेपर में जो देता वहां पर आंसर वन हो जाएगा ना, ठीक है ना। हमें जल्दी जाना, इसका मतलब हम ट्रंक के नीचे से थोड़े निकलेंगे। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि पेपर में जो भी देगा वो समझदारी से देगा, और कभी भी ऐसा देगा इस स्थिति में पूछेगा तो आंसर क्या होता है, 1 होगा। अब रहा बात की पेपर में कैसे देगा, वो पेपर सेट करने तो आपको आता नहीं है, ठीक है ना। अभी नहीं कि एक्स वाई का मान 3 4 ऐसे कुछ भी नहीं। तो अब क्या होगा, यहां पर देखो 2 प्लस एक्स प्लस वाई और बटा 1 1 क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, ये काट दिए, आंसर क्या होगा। तो हर स्थिति में आंसर 1 आता है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर जिसको मुझे बतानी थी। अब सबसे पहले यहां पर तो 1 लाना है, तो एक्स का मान 1 तो नहीं रखेंगे। जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा। तो आपको क्या रखना है, x का मान 0 रखो, क्या रखोगे, 0। जब x का मान 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 बट्टा 0 प्लस 1 होगा, बोलो। तो यहां तो 0 हो गया, 1 में 0 हो गया तो 1 ही हो गया, तो ये 1 आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। तो उसी तरीका से x का मान 0 तो ये खत्म हो जाएगा, और x का मान 0 तो खत्म हो गया, तो 1 के पावर कितना हो गया, 5 प्लस 1 के पावर 5, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2। समझ आया कि नहीं आया। तो ये कंडीशन ऐसे रखा जाता, नोट कर लो, ये अलजबरा है, जो पढ़ता है उसको मन लगता है, जो नहीं पढ़ेगा उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो काफी क्वेश्चन करा दिया, काफी करा नहीं दिया, ठीक है भाई।